आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको नाबोत की दाग की बारी के विषय में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको राजाओं की पहली पुस्तक और उसके 21 अध्याय में एक वचन से 29 वचन तक देखने को मिल जाएगा। तो इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इज़राइल में राजा आहाब राज्य किया करता था। आहाब परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था, क्योंकि आहाब वह कार्य किया करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं थे। यही नहीं प्रियो, इन सबसे बड़ी बुराई उसने यह की कि उसने सिदोनियों के राजा एदबाल की बेटी इजेबेल से विवाह कर लिया, जिसने उससे बाल देवता की उपासना करवाई। साथ ही इजेबेल ने शोमरोन में बाल देवता की एक वेदी भी बनवाई। राजा आहाब ने इज़राइल के सब राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे परमेश्वर को क्रोध दिलाने का काम किया। उसके राज्य में नाबोत नामक एक इज़राइली मनुष्य रहा करता था, जिसकी दाग की बारी राजा आहाब के राजमंत्री के पास इज़राइल में थी। जब राजा आहाब ने नाबोत की दाग की बारी को देखा कि वह बहुत सुंदर है, तो उसने नाबोत से कहा कि तेरी दाग की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे दे ताकि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे भी अच्छी एक वाटिका दूंगा, और अगर नहीं तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। तब नाबोत ने राजा आहाब से कहा कि यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। नाबोत की इस बात के कारण राजा आहाब बहुत उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और अपने बिस्तर पर लेट गया तथा कुछ भोजन ना किया। प्रियो, यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि जब राजा नाबोत के पास आता है और उससे उसकी बारी मांगता है, तो नाबोत अपनी उस बारी को देने या उसे बेचने से मना कर देता है। प्रियो, यहाँ पर नाबोत उस आज्ञा का पालन करता है जो लय व्यवस्था की पुस्तक के 25 अध्याय और उसके 23 से 34 वचन में लिखी गई है, जहाँ पर परमेश्वर ने इसराइलियों से यह कहा था कि भूमि हमेशा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है। नाबोत अपने पुरखाओं के आदर्शों को मानकर तथा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी उस भूमि को जो उसके पूर्वजों से उसे मिली थी बेचने से मना कर देता है। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि आहाब जो एक राजा था उसके पास सब कुछ था, बल्कि पूरा राष्ट्र ही उसका था। वह जहाँ चाहता वहाँ पर अपने लिए एक दाग की बारी बना सकता था, या वो कहीं पर अपना महल बनाकर उसमें दाग की बारी लगा सकता था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वह असंतुष्ट था। उसने वह नहीं देखा जो उसके पास था, लेकिन उसने वह देखा जो उसके पास नहीं था। कहने का मतलब यह है कि एक राजा होने के कारण इसके पास वो सारी चीजें मौजूद थी जो उसे सुख व आराम दे सकती है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान एक गरीब की दाग की बारी पर गया और उसने उसे पाना चाहा। लेकिन जब वो उसे नहीं मिली तो वो उदास हो गया और मायूस होकर अपने बिस्तर पर लेट गया और खाना भी नहीं खाया। प्रियो, कई लोग इसी तरह के होते हैं कि उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन एक छोटी सी चीज ना होने के कारण वे उदास और मायूस हो जाते हैं, तथा जो उनके पास है वह उसमें संतुष्ट नहीं रहते हैं, बल्कि और पाने की चाहत उनके अंदर होती है। एक तरह से देखा जाए तो ऐसे लोगों में संतोष नहीं होता है, ऐसे लोगों की ख्वाहिशें कभी समाप्त नहीं होती है। लेकिन प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हमारे पास जो है हमें उसमें ही संतोष करना चाहिए, क्योंकि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अगर हमारे अंदर संतुष्टि की आत्मा नहीं है तो भले ही हमारे पास दुनिया की सभी चीजें हों, लेकिन फिर भी हमें तसल्ली नहीं होगी। हम और पाना चाहेंगे और जब वह हमें नहीं मिलेगा तो हम भी आहाब के समान व्यवहार करने लगेंगे। इसलिए प्रियो, हमारे पास जो है और जितना है उतने में ही खुश और आनंदित रहना चाहिए और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए।
तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब राजा आहाब मुंह लटकाए अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो उसकी पत्नी इजेबेल उसके पास आकर उससे पूछती है कि तेरा मन क्यों उदास है और तू कुछ भोजन क्यों नहीं करता। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि इसका कारण इजरायली नाबोत है, क्योंकि मैंने उसे कहा कि रुपया लेकर अपनी दाग की बारी मुझे दे दे, और यदि नहीं तो मैं उसके बदले में तुझे दूसरी दाग की बारी दूंगा। लेकिन उसने मुझसे कहा मैं अपनी दाग की बारी तुझे नहीं दूंगा। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसे कहा कि क्या तू इसराइल पर राज्य नहीं करता है, उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो, मैं तुझे इजरायली नाबोत की दाग की बारी दिलवा दूंगी। तब इजेबेल ने आहाब के नाम की चिट्ठी लिखकर और उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन लोगों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पास रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यह लिखा था कि उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाओ। तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाओ जो साक्षी देकर उससे कहें कि तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना ताकि वह मर जाए। तब इजेबेल की चिट्ठी पाकर नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार करवाया और नाबोत को ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब दो नीच जन आकर नाबोत के सामने बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा की निंदा की है। उन नीच जनों की बात पर लोग नाबोत को नगर के बाहर ले गए और पथरवाह करके उसे मार डाला। प्रियो, यहाँ पर हम एक बहुत ही बड़ा अपराध होते हुए देखते हैं कि कुछ अधिकार प्राप्त लोग एक निर्दोष को झूठे आरोप में फंसाकर उसकी हत्या कर देते हैं। प्रियो, जब आहाब राजा उस दाग की बारी के ना मिलने के कारण दुखी था तो इजेबेल उसके पास आकर उसे यह समझा सकती थी कि तेरे पास तो सब कुछ है, फिर तू क्यों एक छोटी सी दाग की बारी के कारण उदास होता है। लेकिन प्रियो, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इजेबेल एक अन्य जाति स्त्री थी जिसने ना सिर्फ आहाब से बल्कि पूरे इसराइल से पाप करवाया। इजेबेल की दुष्टता की हद तो तब पार हो जाती है जब वह एक निर्दोष और बेकसूर व्यक्ति पर अर्थात नाबोत पर झूठा आरोप लगवाकर उसे मरवा डालती है। प्रियो, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक भली और बुद्धिमान पत्नी ना सिर्फ अपने बल्कि अपने पूरे परिवार का भी आशीष का कारण बनती है, लेकिन एक दुष्ट और मूर्ख पत्नी ना सिर्फ अपने बल्कि अपने पूरे परिवार का विनाश का कारण बनती है। ध्यान दे प्रियो कि अगर इजेबेल राजा आहाब को नाबोत की दाग की बारी के विषय में समझाती तो वह जरूर समझ जाता, लेकिन इजेबेल ने क्या किया? अपने पति की उस लालसा को पूरा करने के लिए उसने एक निर्दोष की हत्या करवा दी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने पति के गलत होने पर भी उसका साथ देती हैं। अगर उनका पति उनकी आंखों के सामने कुछ गलत कर रहा है तो वो उसे रोकने के बजाय या उसे समझाने के बजाय उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं, और यही नहीं प्रियो, वो अपने पति की बुराइयों में उनका साथ भी देती हैं। प्रियो, ऐसी महिलाओं के घराने को एक ना एक दिन बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई महिलाएं डर के कारण अपने पति से कुछ नहीं कहती, और कई महिलाएं तो अपना घर बचाने के लिए दूसरों का घर उजाड़ने से भी पीछे नहीं हटती, जैसे कि इजेबेल। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रियो कि परमेश्वर सच्चा न्यायी है और वो ऐसे लोगों का न्याय करता है जैसे उसने इजेबेल का किया। प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि जो महिलाएं अपने पति की बुराइयों में साथ देती हैं वे आगे को ऐसा ना करें। अगर आपका पति कहीं गलत है तो आप उसे समझाएं और उसकी गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाएं। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपने अपने पति को बचा लिया, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अनंत जीवन के लिए अपने पति को खो देंगे और साथ में आप और आपका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा।
एक और बात पर ध्यान दे प्रियो कि नाबुत को मरवाने के लिए इजेबेल ने ना सिर्फ छल किया, झूठे गवाह खड़ा किए, बल्कि उसने अपना मतलब निकलवाने के लिए परमेश्वर का भी सहारा लिया, क्योंकि उसने उपवास का प्रचार इसलिए करवाया कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा की निंदा की, जो कि एक झूठा आरोप था। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए परमेश्वर का सहारा लेते हैं। वे इजेबेल की तरह अपने स्वयं के बुरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का नाम उपयोग करने से भी नहीं हिचकते। इजेबेल ने ना सिर्फ अपने पद और अधिकार का गलत इस्तेमाल किया, बल्कि उसने अपने गलत मतलब के लिए परमेश्वर का सहारा लिया। प्रियो, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम कभी भी अपनी बुरी लालसाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर का सहारा ना लें। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब राजा आहाब ने यह सुना कि नाबोत पथरवाह करके मार डाला गया है, तब उसकी मृत्यु का समाचार पाते ही आहाब नाबोत की दाग के बारी को अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का वचन एलिया नबी के पास पहुंचा और यहोवा ने एलिया नबी से कहा कि सामरिया में रहने वाले इज़राइल के राजा आहाब से मिलने जा, वह नाबोत की दाग की बारी में है और उसे अपने अधिकार में लेने के लिए वहां गया है, और उससे यह कहना कि यहोवा यह कहता है कि क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा है। फिर तू उससे यह भी कहना कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा है, उस स्थान पर कुत्ते तेरे भी लहू चाटेंगे। तब एलिया नबी यहोवा की आज्ञा पाकर आहाब राजा से मिलने को गया। जब राजा आहाब ने एलिया नबी को अपने पास आते देखा तो उससे कहा कि हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने आप को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा और तेरे घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इज़राइल में हर एक रहने वालों को भी नाश कर डालूंगा, और मैं तेरा घराना नबोत के पुत्र यारोबाम और अहिया के पुत्र बाशा सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इज़राइल से पाप करवाया है। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है कि इज़राइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। आहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। प्रियो, राजा आहाब की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अपनी पत्नी की जालसाजी और धोखेबाजी का समर्थन किया। उसने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि नाबोत पर किस प्रकार का इल्ज़ाम लगाकर उसे मरवा दिया गया। उसे तो बस उस बारी से मतलब था, फिर चाहे वह उसे कैसे भी मिली हो। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने काम की चीज़ों को हथियाना चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए किसी को नुकसान या तकलीफ भी पहुंचे तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रियो, परमेश्वर की आंखें सब जगह पर लगी रहती हैं, वह सब कुछ देखते हैं। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। किसी को चोट पहुंचाकर या नुकसान पहुंचाकर प्राप्त की गई वस्तुओं से हम सिर्फ परमेश्वर के क्रोध को कमाते हैं। जैसा हम आहाब और इजेबेल के लिए देखते हैं कि जब उन्होंने नाबोत को मरवाया तो एलिया नबी ने आकर उन्हें उनका पाप स्मरण करवाया और परमेश्वर की ओर से आने वाले दंड के बारे में उन्हें चिताया भी। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि एलिया के द्वारा यहोवा का वचन सुनकर आहाब राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और अपने देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़े रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब फिर यहोवा का वचन एलिया नबी के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है, इसलिए अब वह विपत्ति मैं उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्रों के दिनों में उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। प्रियो, जब परमेश्वर के न्याय की बात राजा आहाब को मिली तब उसने अपना मन परिवर्तित किया और पश्चाताप किया, जिस पर यहोवा परमेश्वर ने उसके दंड को रोक दिया। प्रियो, यह एक सच्चा पश्चाताप था जो आहाब ने दिया।
जब हमसे गलतियां होती हैं और जब परमेश्वर के वचन के द्वारा या परमेश्वर के दासों के द्वारा हमें उन गलतियों और अपराधों के बारे में चेताया जाता है, तो हमें भी नम्र होकर अपने हर एक गलतियों को मानना और पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि लिखा है, जो अपना अपराध मान लेता है उस पर दया होती है, जैसे अहाब पर हुई। उसके पश्चाताप ने उस पर आने वाले परमेश्वर के क्रोध को टाल दिया, लेकिन प्रियो, इजेबेल ने कोई पश्चाताप नहीं किया और ना ही अपना मन फिराया। वो दुष्टता करती रही और उसको वही दंड मिला जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था। प्रियो, जब आहाब ने पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने उस पर आने वाले दंड को टाल दिया, जो हमें परमेश्वर के प्रेम और करुणा को दिखाता है। परमेश्वर की महान कृपा आहाब पर प्रकट हुई। वैसे ही प्रियो, भले ही हमारे जीवन में हमसे कई पाप हुए हों, लेकिन यदि हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेते हैं और हम परमेश्वर के साथ फिर से अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। बाइबल में लिखा है प्रियो कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हमें परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाना है तो परमेश्वर हमारी ओर 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ क्रोध करते हैं, लेकिन क्रोध से कहीं ज़्यादा वो हमसे प्यार करते हैं। अंत में प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने स्वार्थी जीवन को छोड़कर परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दीजिए। हमारे पास जितना है उतने में ही संतुष्ट रहिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। स्वार्थ ना सिर्फ हमारे जीवन को बल्कि हमारे निकट रहने वाले लोगों के जीवन को भी तबाह कर देता है। खुद के लिए जीना छोड़कर परमेश्वर के लिए जीना शुरू करिए। हर दिन अपने आप को समर्पित कीजिए और बुराई से तथा हर प्रकार की दुष्टता से अपने आप को दूर रखिए। आशा करती हूँ प्रियो कि नाबोत के दाग की बारी की इस घटना का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।